ऐसे में जबकि मोबाइल टावरों से रेडिएशन का खतरा चर्चा में है, आईआईटी के एक प्रोफेसर ने इससे बचाव का कवच तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट आपके और रेडिएशन के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। पर जब आप अपने मोबाइल से किसी को कॉल करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलता है वो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो आदमी कॉल करता है उसके मोबाइल से रेडिएशन निकलता है और जो आदमी रिसीव करता है उसके भी मोबाइल में रेडिएशन आती है जो शायद आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय करीब 5,500 मोबाइल टावर हैं और मुंबई में करीब 3,500। जानकारों की माने तो 3G तकनीक को अमल में लाने के लिए मोबाइल कंपनियां अगले कुछ महीनों में देश में 10,000 और टावर खड़े करने जा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि रेडिएशन से बचाव के उपाय तलाशे जाएं। आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर गिरीश कुमार ने ऐसा ही एक आविष्कार किया है। प्रोफेसर साहब ने मोबाइल से जिस चीज को लगाए रखा है उसे आप रेडिएशन कवच कह सकते हैं। दावा है कि ये कवच मोबाइल से निकल रही तरंगों को दिमाग में घुसने से बचा रहा है। रेडिएशन बजाय मेरे बॉडी पे आने के बजाय मेरे ब्लड से कान गर्म करने के लिए या मेरे सिर पे गर्म करने के लिए, नाउ इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रेडिएशन। प्रोफेसर कुमार कहते हैं कि उनका कवच 600 मिलीवाट से लेकर 10,000 मिलीवाट प्रति मीटर स्क्वायर तक के रेडिएशन को खपा सकता है। आप इस रेडिएशन कवच को अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं, इसे जेब में रख सकते हैं और इसकी कीमत 700 रुपए से शुरू होती है। सेल टावर के उन घातक रेडिएशन से आपको राज्य प्रशासन या टेलीकॉम कंपनी कब तक निजात दिला पाएगी ये हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, आईआईटी मुंबई द्वारा बनाए गए इन रेडिएशन कवच की मदद से आपकी तकलीफ कम जरूर हो सकती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, सरकार के भरोसे रहे या फिर खुद के भरोसे। कैमरामैन शमीर शानबाग के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, आप देखते रहिए आज तक।